रिबन डेवलपमेंट का हम लोगों ने जो दमन दीव में रिबन डेवलपमेंट के नाम से प्रशासन यहाँ पर एक रोड मैपिंग और हाईवे अथॉरिटीज बनाकर ये लोग बना रहे थे रिबन डेवलपमेंट के नाम पर, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, इसके हाईवे बाउंड्रीज, बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन डिफाइन कर रही है। अब उसके लिए सजेशन ऑब्जेक्शन मांगे गए थे, जिसमें हम लोगों ने दमन दीव से कम 7-8 हज़ार लोगों ने ऑब्जेक्शन दिए थे। उसके बारे में अभी यहाँ पर प्रशासन ने हेयरिंग रखी थी, तो हम लोगों ने उसमें हमारे हेयरिंग में हमने सीओ सर जो है बेबोरेखारी जी से चर्चा की। तो अभी जो बिल्डिंग लाइन है और हाईवे बाउंड्रीज है और कंट्रोल लाइन है, उस पर हम लोगों ने काफ़ी नज़दीकी से चर्चा की, तो हमें पता चला कि भाई हाईवे बाउंड्रीज अभी जो रोडों के बाजू में बांधकाम होंगे वो डबल हो गई। मतलब कि अब जो पहले 12.5 मीटर का था रोड, अब वो 25 मीटर, एक तरफ 25 मीटर और दूसरी तरफ 25 मीटर। पहले हुआ करता था 50 मीटर में दोनों तरफ आ जाते थे, 25 मीटर में सॉरी, तो अब 50 मीटर हो गया। वैसे ही अब 15 मीटर था वो 30 मीटर हो गया, तो काफ़ी यानी कि डबल सभी जगह पे डबल मार्जिन कर दी है। तो हमारा उसमें ही विरोध है कि आप सीओ सर कह रहे थे कि भाई महाराष्ट्र और गुजरात से हम लोगों ने ये हाईवे एक्ट को एडोप्ट किया है और उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात जहाँ का नगर पालिका का एक वार्ड देख लो तो दमन के क्षेत्र से बड़ा होगा। आज हमारा जो दमन दीव है वो 72 स्क्वायर किलोमीटर में समाप्त हो जाता है। आज महाराष्ट्र और गुजरात में आप जाके देखोगे तो वहाँ का एक पंचायत और नगर पालिका का एक वार्ड दमन दीव से बड़ा होता है। अब उनकी लैंड के साथ हमें दमन दीव की लैंड को कंपेयर करना वाजिब नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे में भी दमन दीव बहुत छोटा प्रदेश है जिसमें एग्रीकल्चर लैंड से लेकर हमारा जो है उसमें लगा हुआ है एक तो समंदर किनारा, उसमें से नदियों के चार किनारे, उसमें हमारे सीआरजेड लगते हैं, उसमें हमारा कोसगढ़ है तो कोसगढ़ के हमारे फनल लगते हैं, आर्कोलॉजी लगती है, फिर यहाँ पर आप देखोगे तो इंडस्ट्रीज है। वैसे में मैं रोड मार्जिन इतने ज़्यादा बढ़ा देना दमन दीव का डेवलपमेंट नहीं होगा, दमन दीव का विकास नहीं होने वाला, दमन दीव में विनाश होने वाला। तो हम लोग उनको यही बता रहे थे कि डबल मार्जिन करना बहुत मुश्किल है और ये अगर नोटिफिकेशन लागू हो जाता है तो दमन दीव में विकास नहीं होगा, विनाश हो जाएगा। तो हम लोगों ने हमारे ऑब्जेक्शन उनके सामने रेज किए और काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव भी लगी, जैसे कि उन्होंने कहा कि दमन की सेरिया, हम जो इंटरनल सेरियो के रोड है या विलेज के इंटरनल रोड है वो उसमें शामिल नहीं किए गए, और जितने नोटिफाइड है आज तक रोड जो हाईवे है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है या विलेज रोड है, जो पहले से ही नोटिफाइड है उनको ही ये क्राइटेरिया लगेगा। तो वो समझ में आया, मगर कल को अगर वो रोडों को वापस नोटिफाइड किया कर दिया गया तो कल को वो भी सब ये क्राइटेरिया में आ सकते हैं। तो उस सब चीज़ों को लेकर हमने डिस्कशन किया, आखिरकार डिस्कशन करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि काफ़ी रोड है जिनको फिर से रिसर्वे कर वो रोडों को वापस वहाँ नोटिफिकेशन से निकलना पड़ेगा और नया नोटिफिकेशन लाना चाहिए, जिसमें कौन से रोड कहाँ का रोड कौन से क्राइटेरिया में वो होना चाहिए, और अभी का जो मार्जिन है जो हाईवे बाउंड्रीज है, बिल्डिंग लाइन है और कंट्रोल लाइन है वो डबल है, तो इतनी ज़्यादा लगाने से दमन दीव में लैंड ही नहीं है, इतनी ज़्यादा लैंड ही नहीं है। दमन में लोग छोटे छोटे प्लॉट लेके बैठे हुए हैं, उनके घर मकान दुकान और कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तो हमने कहा है कि इसका रिसर्वे किया जाए, वापस से रोडों को भी वापस नोटिफाई किया जाए और ये जो क्राइटेरिया है उसको मिनिमम किया जाए ताकि लोगों के घर मकान दुकान बच सके और दमन दीव का विकास हो सके। और हमने उनको भी सिक्योरिटी दी है कि दमन दीव का हर एक इंसान चाहता है कि दमन दीव में विकास हो और हम लोग प्रशासन के इस विकास कार्य में सहभागी होना चाहते हैं, मगर उस सहभागी हम लोग होना चाहते हैं, उनके कदम से कदम मिलाना चाहते हैं, अगर वो हमारे लोगों के बेनिफिट के लिए वो क्राइटेरिया लाए। और सीओ सर ने कहा है कि पहली हेयरिंग है, दूसरी हेयरिंग होगी और उसमें सारे लोगों को भी बुलाया जाएगा और हमारे जो ऑब्जेक्शन है और जो हमारे सजेशन है उसको कंसीडर किया जाएगा, जितने कंसीडर कर सके, और फिर से उस बाबत पर एक फाइनल हेयरिंग भी होगी। और हमें उन्होंने मैप देने के लिए भी कहा है
और दूसरे डॉक्यूमेंट भी है जो हमने उनसे मांगे वो भी हमें प्रोवाइड करने के लिए कहा है, और भी ऑब्जेक्शन हो तो कभी भी 2 महीने के अंदर कर सकते हैं। तो दमन दीव के और भी आर्किटेक्ट है या ये टेक्निकल टीम से जुड़े है लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं जिनको इस बाबत में नॉलेज है, वो लोग अभी भी सजेशन और ऑब्जेक्शन यहाँ आकर अभिभव जी को दे सकते हैं, और हम लोग भी एक टेक्निकल टीम बनाएंगे और इस विषय पर कितना पॉजिटिव हो सके उतना करेंगे। और आज की मीटिंग से हमें एक बात का पूरा विश्वास है कि प्रशासन लोगों को विश्वास में रखेगा और विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के काम करने से लोगों में आक्रोश आएगा और खाली पॉकेट में अननेसेसरी यहाँ पर एक दूसरा एक एटमोसफियर खड़ा होगा। तो हम चाहते हैं कि पॉजिटिव वे से चर्चा करें और दमन दीव में एक विकास का कार्य हो, तो उसके लिए आया था। और हमें विश्वास है कि प्रशासन ने जिस प्रकार से बात रखने का मौका दिया तो हर किसी को मौका देना चाहिए। दमन में 7,000 लोगों ने एप्लीकेशन दी है, तो हमने उनसे भी कहा कि उन सारे लोगों की भी बातें सुनी जाएगी।